क्रिसमस सुख शांति और समृद्धि का सूचक है। इस पर्व को लेकर मसीही समुदाय में विशेष उत्साह देखा जाता है। प्रभु यीशु के जन्म उत्सव का जश्न मनाने के लिए घर, दुकान, होटल और रेस्टोरेंट, चर्च, रंग बिरंग झालर, स्टार, जिंगल बेल, गोल्डन बॉल, गोल्डन लाइट, झालर से सज गए हैं। इसी बीच नागपुर में भी इस पर कई खुशियां मनाई गई, लेकिन कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए। नागपुर में इस बार क्रिसमस डे का सेलिब्रेशन कुछ अलग हुआ। कोरोना काल में भी क्रिसमस को लेकर मसीही समाज के लोगों में गजब का उत्साह देखा गया। सभी कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए इस पर्व को धूमधाम से मनाते हुए दिखे। यह जश्न प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए सुरक्षा के लिहाज से मनाया गया, जिसमें क्रिसमस के अवसर पर चर्च में लोगों की उपस्थिति में एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया कि चर्च में किसी भी तरह से भीड़ नहीं होगी और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखा जाएगा और मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया। कई जगह सुरक्षा के लिहाज से क्रिसमस पार्टी की जाने वाली जगहों पर भी पाबंदी लगा दी गई। इन हालात में क्रिसमस फेस्टिवल का रंग कुछ अलग देखने को मिला। दोस्तों और परिवार के साथ क्रिसमस का त्योहार खुशियों भरा रहा। ऐसे में सभी अपने हिसाब से इस दिन को खास बनाने के लिए तैयारियों में जुटे रहे। अपने जीवन के आने अपने दिन प्रतिदिन को धन्यवाद और उसकी स्तुति कर सके। तो आज अपन देखते हैं कि मानव जाति जो है उस सब चीजों को भूल गई और वे अनेक प्रकार की चीजों को विश्वास करने लगे। कोई पहाड़ को, कोई पेड़ को, कोई क्या क्या चीजों को वो लोग विश्वास करने लगे। लेकिन परमेश्वर ने बोला ये सारी चीजों को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया है ना। और इसलिए परमेश्वर चाहता था कि संसार की बनी हुई वस्तुओं के ऊपर तुम्हारा विश्वास न रहे, है ना। लेट नॉट योर हार्ट बी फोकस्ड अपॉन द थिंग्स दैट आर इन दिस वर्ल्ड। रहेगी जो संसार के लोग उसको देखते रह जाएंगे। और इसीलिए अपन देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है बहुत ही साधारण रूप में हुआ। और इसीलिए अपन अक्सर यह चरनी को देखते हैं। चरनी जो है वो ऐसे चीज को दर्शाती है जहाँ पे मनुष्य, कोई भी मनुष्य यहाँ पे जो है वो चरनी में और गौशाला में जन्म लेने को नहीं चाहता। क्योंकि आज अपन जो है इन्फेक्शंस के बारे में, आज सब लोग जो है यहाँ पर जितने बैठे सब लोग मास्क लगाए हुए है ना। बाजू में जो बैठा है कहीं इसको करोना है या क्या है, कौन सी बीमारी है क्या है मालूम नहीं है, है ना। तो इसलिए सभी लोग मास्क लगा के बैठे हैं। लेकिन आप सोचो कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो हुआ, तो जब जन्म का समय आया, माता मरियम को बच्चा देने का समय आया, तो कोई भी व्यक्ति जो है उसको एक छोटा सा कमरा भी देने के लिए तैयार नहीं था, है ना। NBC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।